हेलो डियर लर्नर्स, आज हम लोग बैंकिंग के कॉमन एरर को डिस्कस करेंगे जो कि न्यू पैटर्न पे बेस्ड है। चलिए डिस्कस करते हैं। नंबर वन क्वेश्चन है, द लिवेबिलिटी इंडेक्स एवरी ईयर क्वांटिफाइंग द चैलेंज दैट मे बी प्रेजेंटेड टू। देखिए, ये जो ब्लैक करके दिया हुआ है इसी में मिस्टेक रहेगा या फिर मिस्टेक नहीं भी रह सकता है। टू एन इंडिविजुअल्स लाइफ स्टाइल इन 100 सिटीज वर्ल्ड वाइड एंड एसेसी विच लोकेशन प्रोवाइड द बेस्ट लिविंग कंडीशन बेस्ड ऑन पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी। इसमें क्या मिस्टेक है, चलिए आंसर देखते हैं हम लोग। आंसर क्या है, आंसर इसका होगा क्वांटिफाइज होगा, क्वांटिफाइंग नहीं होगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है, द लिवेबिलिटी इंडेक्स, ये सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें हम लोग इसका प्रेजेंट फॉर्म यूज़ करेंगे, क्वांटिफाइज। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू क्या है, मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया इज पॉपुलर ड्यू टू द फैक्ट दैट देर इज अ रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ लेस कॉस्टली एंड क्वालिटी सर्विस परफेक्ट एमलगमेशन ऑफ मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग विच कंट्रीब्यूट इन हैविंग ब्राउट द इनोवेटिव सोल्यूशन। क्या होगा इसका आंसर, कंट्रीब्यूट की जगह क्या होना चाहिए, कंट्रीब्यूट्स होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपका, इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग के साथ क्या होगा, बर्मी एसीएस लगता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आर ऑफन द एग्रीमेंट्स बिटवीन टू और मोर कंट्रीज और अमॉन्ग अ कंट्री एंड ए ट्रेडिंग ब्लॉक टू। क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर बिटवीन ए कंट्री एंड ट्रेडिंग ब्लॉक होगा। अमंग किसके लिए यूज़ करते हैं, एक से अधिक कंट्री रहेगा उसके लिए, दो से अधिक कंट्री रहेगा दो के लिए हम लोग बिटवीन के यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, द इंटरनेट एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज इन इंडिया हैव इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड्स एंड दिस गिव्स अ रे ऑफ होप टू द सिटीजन ऑफ इंडिया टू फाइट विद द लॉन्ग प्रोसिस्टिंग प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी करप्शन रीजनल डिस्पेरिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, यहाँ पे क्या होगा, द सेंटेंस इज करेक्ट, यहाँ कोई मिस्टेक नहीं है। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं, द सीयर साइज ऑफ द चाइनीज एंड इंडियन मार्केट्स विल बी कंटिन्यूइंग टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर। यहाँ पे क्या मिस्टेक होगा, इन्वेस्टर्स एंड दे रिमेन इन द हाइएस्ट मेकिंग अमंग इंजीनियरिंग मार्केट्स इन कॉन्फिडेंस इंडेक्स। इसका आंसर क्या होगा, विल के बाद हम लोग V1 फॉर्म लिखते हैं, विल कंटिन्यू टू अट्रैक्ट रहेगा, कंटिन्यूस फॉर्म नहीं रहेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द WHO ग्लोबल एयर पोल्यूशन डाटाबेस रिलीज इन जिनेवा रिवील्स दैट इंडिया हैज़ 14 आउट ऑफ 15 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ PM2.5 कंसंट्रेशन एंड द फैक्ट दैट द इंडिया कलेक्टेड फॉर सर्वे वेयर ऑफ प्रिलिमिनरी स्टेजेस एंड नॉट डीप रूट्स इज इवन बिग मच अलार्मिंग। आंसर क्या होगा इसका, चलिए आंसर देखते हैं, इज इवन मोर अलार्मिंग रहेगा, इज इवन मोर अलार्मिंग, बिग मच अलार्मिंग नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं, क्लाइमेट गवर्नेंस गन बियॉन्ड द साइंस फ्रॉम क्लाइमेट चेंज टू लुक एट द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यू रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। आंसर क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा क्लाइमेट गवर्नेंस है, इसलिए गन नहीं होगा। क्या होगा इसका, इसका होगा गोज बियॉन्ड द साइंस ऑफ, प्रेजेंट फॉर्म में रहेगा। क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं, पॉलिसीज इस्टेब्लिश फॉर द बेनिफिट्स ऑफ रूरल वुमेन शुड बी टेस्टेड एंड रीअसेस्ड बाय द बेनिफिशरी यूजिंग देम एज सोशल लर्निंग टूल एंड नॉट लाइक इंडिविजुअल्स इन विच पॉलिटिकल अथॉरिटीज एक्सरसाइज्ड। आंसर देखते हैं, आंसर क्या होगा, नॉट एज इंडिविजुअल ऑन होम, या लाइक नहीं होगा एज होगा। क्वेश्चन नंबर नाइन, द आइडिया ऑफ एजुकेशन इज टू इनकलकेट द नॉलेज ऑफ नॉर्म्स एंड स्किल्स विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर एन इंडिविजुअल टू सोशलाइजिंग विद सोसाइटी सराउंडिंग्स एंड ग्रेस द नॉलेज ऑफ वैल्यूज एथिक्स मैनर्स एंड हैबिट्स। करेक्ट जवाब क्या होगा इसका, टू सोशलाइज, इन्फिनिटिव फॉर्म यूज़ करेंगे हम लोग, टू के बाद हम लोग ing फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, टू के बाद हम लोग V1 फॉर्म यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10, द ई गवर्नेंस इम्प्रूव्स डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विस टू पीपल फ्रॉम डिप्लॉइंग रिसोर्सेज फ्रॉम बिंग एंड प्रोसेसिंग टू द फ्रंट लाइन ऑफ कस्टमर सर्विस। आंसर क्या होगा, फ्रॉम नहीं होगा,
बाय रीडिप्लॉइंग रिसोर्सेस फ्रॉम बैकएंड होगा। ये सिर्फ बैंकिंग के लिए नहीं बल्कि सारे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें कॉमन एरर्स आ रहते हैं उसके लिए रिलीवेंट है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से पढ़ें।